नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को मारा थप्पड़, सपाएं ने किया विरोध, दिया धरना। मामला लखनऊ के मौर्या चौराहा का, जहां सपा कार्यकर्ताओं के झंडे के लिए ले जा रहे थे तथा झंडे पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उपरांत सपा कार्यकर्ताओं को जल दिया थप्पड़। इस घटना पर सपा कार्यकर्ताओं ने अपने उच्च पदों पर नियुक्त कार्यकर्ताओं को सूचना दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे सपाइयों ने पुलिस से घटना के संबंध में मिली सूचना सहमत न होने पर किया विरोध व दिया धरना। लखनऊ, लखनऊ से अमित वर्मा की खास रिपोर्ट। चलिए चलिए इधर आइए। यहाँ दुर्गापुरी बैरियर पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग चल रही थी। तीन लोग बिना मास्क के जा रहे थे, जिन्हें रोकने का इशारा किया गया, वो रुके नहीं। मैं अपनी बाइक से सुदर्शन हॉल के पीछे, चार बाग वाले बस वाले रास्ते से पीछे थे, मैं उन्हें सुदर्शन हॉल पे से एक आदमी को, तीन आदमी थे बाइक पे, एक दो आदमी तक आने लगा, चलो भाई बाइक लेकर वहीं पे चलो। एक आदमी वहाँ पे मेरे साथ में बाइक पे बैठ के मैं इस बंदे को लेकर आया। मैं इसके साथ में ठंडे थे, कुछ डंडे वो ये धरने में जा रहा था, ये धरने में जा रहा था, समझ रहे, ये डंडे का था, समाजवादी के तरफ से हूँ, झूठ बोल रही है, मैंने बोला भी समाजवादी के तरफ से हूँ, मैं झूठ बोल रहे, देख रहे बता रही उसके बाद चैनल वाले, उसके बाद में न्यूज चैनल के उसके बाद में ये बंदे को कहा मैंने, मेरे को भाई छोर तीन आदमी थे, दो आदमी बाइक लेकर, नीली कलर की गाड़ी थी, नीली ग्लैमर गाड़ी थी, नीले कलर की, मेरे को अपनी गाड़ी को दोनों आदमी को बुला लो, जो भी तुम्हारा फाइन होता है मैं आपका एक चलान